आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के संस्थापक की, घियासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, 12वें लेक्चर है, 12वें लेक्चर की तरफ हम बढ़ चले हैं दोस्तों। इससे पहले 14 लेक्चर्स हो गए हैं, मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद ऑफ घोरी। तो इस पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है दोस्तों, टोटल 14 लेक्चर्स है। देख लीजिए, आपको भारत की मेडिवियल हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी। और मैं आपको बता ही रहा हूं कि जो भी प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज आए उन सबकी रूलर्स की बायोग्राफी मैं कवर करूंगा। 1857 तक ये बायोग्राफी जाएंगी, बहादुर शाह जफर तक, मुगल के एम्परर्स तक। तो ये पूरा लेक्चर सीरीज जो है वो तब तक चलेगी। तो आज हम बात करेंगे घियासुद्दीन तुगलक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्ट्री में, क्योंकि यहां से एक ऐसा वंश स्थापित हो गया जिसने भारत में सबसे ज्यादा रूल किया, सबसे ज्यादा दिनों तक चला था इनका रूल, तुगलक वंश का रूल। तीन महान सुल्तान आए थे, एक घियासुद्दीन तुगलक, इसके बाद आए थे जिनको वाइस फूल किंग बोला जाता है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, इतनी नॉलेज थी, लेकिन उसके बावजूद बेड़ा गर्क कर दिया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइस फूल किंग बोला जाता है। तभी ना भैया, कॉमन सेंस नहीं हो तो सारी डिग्री, सारी एजुकेशन सब बेकार होती है। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर लेटर तुगलक की बात करेंगे। तो ये जो 12वां लेक्चर है घियासुद्दीन तुगलक को, इसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी सीएसई 2020 के लिए हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है। आपको बता दूं, जो भारत की टॉप फैकल्टी है वो इस पूरे कोर्स को कवर करेंगी, डॉक्टर रवि अग्रहारी, महिपाल सर। तो जो भी कोर्सेज है इनके द्वारा बनाए गए हैं, आप जरूर इनको अवेल करिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर 2020 के एग्जाम को आप एम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 625 रुपए महीने से स्टार्ट है ये कोर्सेज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है, आप देख सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी की बात करें, हम सारे रूलर्स की, सारे सुल्तानों की बायोग्राफी देख चुके हैं, अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, 1200 से 1290। खिलजी की बात करें तो हम देख चुके हैं तीन सुल्तानों की बायोग्राफी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दो पार्ट्स हैं, और मुबारक खिलजी पिछला हमने देखा था, ठीक है। तो ये तीन रूलर्स, तीन सुल्तानों की बायोग्राफी देख चुके हैं, और अब हम आ गए हैं तुगलक वंश के ऊपर, 1320 से लेके 1413 तक। तो आप देख सकते हैं ना, लगभग इनका 100 साल का रूल था। तो सबसे ज्यादा दिनों तक इन्होंने भारत पे रूल किया, ठीक है। अगर हम टर्क्स की बात करें तो तुगलक्स जो थे वो टर्क्स थे, और इसके बाद फिर आएंगे सईद्स, लोदीज और मुगल्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा एक्सपेंशन है। ये 1398 तक की बात है जब फिरोज शाह तुगलक आ गए थे, और आप देख सकते हैं ना, नॉर्थ में तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत टॉपिक है, तो पूरा का पूरा दिल्ली के एरिया, यूपी सेंट्रल, ये तो इनके पूरे कब्जे में है ही। पाकिस्तान तक भी इनका पूरा कब्जे में है, और अफगानिस्तान का कुछ एरिया भी इनके कब्जे में है, आप देख सकते हैं ना, साउथ का एरिया भी कब्जे में है। बंगाल को ये नहीं जीत पाए थे कहीं ना कहीं, बंगाल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल रही थी, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे। तो पूरा एक्सपेंशन किया था दोस्तों। कंसोलिडेटर कौन था? बलबन, ठीक है ना, बताया था ना मैंने, बलबन ने पूरा कंसोलिडेट कर दिया था, और ये सबसे पहला ताकतवर रूलर था, ठीक है, बलबन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक्सपेंशन शुरू किया है, और ये एक्सपेंशन जो है वो मुगलों तक जारी रहा, ठीक। तो ये चीज है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों तुगलक्स की, इससे पहले हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि भैया जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, खिलजी डायनेस्टी को, ठीक है। अब ये बड़ा ही अच्छा राजा था, सुल्तान था, हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं था, मैं आपको बता दूं, हिंदुओं के लिए सारे जितने भी सुल्तान आए थे बहुत इंटॉलरेंट थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है। बहुत भर भर के ग्रांट्स देता था ये, कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर देता था उसको पनिश नहीं करता था। तो इसी चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसको मार दिया। अब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आया, 20 साल का ये जो रूल था, भले ही आप जितना भी अलाउद्दीन खिलजी को एक्सपेंशनिस्ट कह लें कि उसने तो सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, लेकिन उसके बावजूद बड़ा ही क्रूअल रूलर था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक राजा था। हिंदुओं को तो इसने बिल्कुल गरीबी के कगार पे ला दिया था, ये बोलता था कि भैया कोई भी हिंदू, और इवन मुस्लिम, हिंदुओं पे ज्यादा इसका कहर टूटा, कोई भी हिंदू या फिर मुस्लिम अमीर हो ही नहीं सकता, अगर वो अमीर होगा, पैसा आएगा, तो वो रिवोल्ट कर देगा, तो गद्दी को बचाने के लिए सबको गरीब कर दो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही एफिशिएंट कमांडर था, इसकी डिप्लोमेसी कमाल की थी। आपको बता दूं, जो इसने राजस्थान पे पूरा एक्सपेडिशन किया है, मेवाड़ को इसने जीता है,
तो सबसे बड़ी बात यह थी कि ये इसने डिप्लोमेसी से जो दूसरे पाले के लोग थे, जो राजा थे, जो राजपूत किंग्स थे, उनको तोड़ने में कामयाब हो गए थे। वहां पे लोगों ने धोखा देना उनको शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जीता, वरना कभी जिंदगी में जीत नहीं पाया था। तो यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में जैसा करोगे वैसा पाओगे, मलिक कफूर जिसको सबसे ज्यादा यह मानता था, उसी ने इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद आया मुबारक खिलजी। 1316 से लेकर 1320 तक ये जो 4 साल का जो रीन था, मुबारक खिलजी की मैं बायोग्राफी ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये बहुत खतरनाक था। ठीक है, यहां पे वो सारी चीजें हुई जो बिल्कुल अमानवीय है। बिल्कुल जो पूरा किंगडम था वो एकदम कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी बिल्कुल ही बेकार हो गई, और यहां पे जितने भी नोबेल्स थे और इवन सुल्तान, वो अय्याशी में व्यस्त था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कैसा किंगडम है। ये देखते हुए 1320 में यहां पे मुबारक खिलजी को मार दिया गया। अब किसने मार दिया, मारा था दोस्तों? खुसरो खान। खुसरो खान जो कि एक तरीके से यहां पे मुबारक खिलजी का लव अफेयर भी था। मुबारक खिलजी जो थे वो खुसरो खान से प्यार करते थे, ऐसा बोला जाता है कि वो बायसेक्सुअल थे। तो खुसरो खान लेकिन चाहता था कि मुझे गद्दी मिल जाए, तो खुसरो खान ने यहां पे मुबारक खिलजी को मार दिया। लेकिन दोस्तों खुसरो खान का रूल चला ही नहीं, जैसे ही वो कुछ करने वाला था, गाजी मलिक जो कि गियासुद्दीन तुगलक का नाम था। वैसे दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पे डिवाइड हैं, ठीक है। देखिए हमको नहीं पता यहां पे इसकी, गियासुद्दीन तुगलक की असली जिंदगी कैसी थी, अर्ली लाइफ कैसी थी, ज्यादा हमको अंदाजा नहीं था, नहीं है कहां इसका जन्म हुआ, क्या हुआ। जो हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों, बर्नी ने लिखे हुए हैं, फिरिश्ता ने लिखे हुए हैं, इब्न बतूता ने लिखे हुए हैं, इसामी ने लिखे हुए हैं, वहां से रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि गियासुद्दीन का नाम जो है वो गाजी मलिक रहा होगा। ठीक है, तो गाजी मलिक था यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक का नाम, और गाजी मलिक ने खुसरो खान के खिलाफ एक बैटल लड़ी और इसको हरा दिया। आपको बता दूं इस बैटल से पहले इसने बहुत सारे पत्र लिखे थे। देखिए दोस्तों मुबारक खिलजी का रूल बहुत खराब हो गया था, हर कोई चाहता था वो चला जाए। तो यहां पे खुसरो खान ने तो मार दिया, लेकिन यहां पे गियासुद्दीन तुगलक ने ढेर सारे लेटर्स लिखे। ये लेटर्स पाकिस्तान के एरिया में, उस समय तो सब भारत का ही पार्ट था, तो उस एरिया में जितने भी गवर्नर थे, सिंध में, मुल्तान में, सवाना में, दीपालपुर में, जहां जहां भी गवर्नर थे, उन सबको इसने लेटर लिखे और बोला कि देखो ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं, हम बैटल लड़ने जा रहे हैं, हमारी मदद करिए। तो उन लोगों ने बिल्कुल मदद की, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो पूरा रूल है ये खत्म हो। तो खुसरो खान को हराया, और उसके बाद गाजी मलिक जो बाद में गियासुद्दीन तुगलक हुआ, उसने ये पूरी जो सत्ता है वो हथियाई और सुल्तान बना। तो अगला सुल्तान 1320 में घियासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश का संस्थापक। तो ये फाउंडर था, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब घियासुद्दीन तुगलक, ये देखिए रूल इतना आसान नहीं होने वाला था। क्यों नहीं होने वाला था? देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात नोबेल्स, नोबेल्स का जो रोल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि बहुत ही खतरनाक था। ये जो थे वो सुल्तानों को बदल देते थे। 4 साल का जो रूल था वो ठीक वैसे ही हो गया था 1336 के बाद, जब इल्तुतमिश की मौत हुई थी, उसके बाद जो कंडीशन हो गई थी ना, वही कंडीशन इस समय भी थी। मुबारक खिलजी बहुत अच्छा सक्सेसर नहीं था, वो तो 17-18 साल का लड़का था, उसको क्या मालूम। तो उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब यहां पे जो बर्बादी हुई उसको संभालना था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक वैसे ही जैसे इल्तुतमिश के बाद एक के बाद एक राजा आते गए। रजिया सुल्तान आई, उसके बाद उनको हटाया, उसके बाद फिर वहां पे और भी फिर आए, मतलब मोइजुद्दीन हुआ, तो उन सबको हटाने शुरू किया। तो जब तक बलबन नहीं आया था तब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। ठीक वैसे ही यहां पे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रही जब तक गियासुद्दीन तुगलक नहीं आया। तो गियासुद्दीन तुगलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि नोबल्स को शांत किया जाए और इनका भरोसा जीता जाए। दूसरी चीज, नोबल्स जो थे, मुबारक खिलजी बड़ा अय्याश, तो नोबल्स भी उतने ही अय्याश हो गए थे। वो तो चाहते ही थे कोई इस तरीके का राजा आ जाए जो बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हमको सारी चीजें मिले। तो नोबल्स बहुत ज्यादा अय्याशी में रहने लगे थे, जो जो सुल्तान करेगा वही बाकी के लोग भी करेंगे, तो उसको संभालना था। तीसरी चीज भैया, जो हिंदू चीफ है और बाकी के जो गवर्नर्स हैं, वो यही चाह रहे थे कि तुरंत तख्ता पलट हो, हम अपने आप को आजाद घोषित कर दें और उसके बाद दिल्ली पे अटैक करें और फिर दिल्ली अपने कब्जे में ले लें। तो ये प्रॉब्लम थी गियासुद्दीन तुगलक की। चौथी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने जो रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, और फिर मुबारक खिलजी का रूल जो रूल था उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो ये सारी चीजों को अगर देखें तो गियासुद्दीन तुगलक ने भले ही
ये तो ताज जो है वो पहन लिया था, लेकिन ये कांटों का ताज था। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने बड़ी चालाकी से अपने रूल को बहुत ही सही बनाया। कैसे बनाया? उसने सबसे पहले तो डिप्लोमेसी ट्राई की और वो सफल भी रही। दूसरी चीज, जहां जहां रिवोल्ट हुए उसने अपनी सेना भेज दी, उनको सप्रेस किया। तो हुआ क्या था, देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो गियासुद्दीन तुगलक का यह मानना था कि अगर हम बहुत रूथलेस हो जाएंगे, एक डेस्पॉट रूलर हो जाएंगे, डेस्पॉटिक सुल्तान की तरह अगर मैं एक्ट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अपने रूल को बहुत ही अच्छा करना होगा। तो उसने जो मेजर्स थे ना वो ठीक लिए, बहुत ज्यादा रूथलेस, बहुत खतरनाक नहीं हुआ, इसने बहुत सारी चीजें अलाउ कर दी। अब हिंदू रूलर्स के पास वेल्थ थी, वो आसानी से वेल्थ को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इसने ये देखा कि बहुत ज्यादा वेल्दी भी वो नहीं हो जाए, ताकि अगर बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए, बहुत ज्यादा पैसे हो गए उनके पास, तो वो हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। तो हिंदुओं को जो इतना गरीब कर दिया गया है उनको वेल्थ तो दो, लेकिन बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, इसने एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च कर दी। तीसरी चीज दोस्तों, इसने इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। इसने आपको बता दूं, अक्सर पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो वो गियासुद्दीन तुगलक था, इसने ही नहर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नहरों को खेतों से जोड़ा गया, वहां से पानी सप्लाई होता था, बहुत अच्छी खेती होती थी। यहां पे दोस्तों स्टेट जो जो पूरा टैक्स कलेक्ट किया जाता था एग्रीकल्चर से, उसको भी इसने फिक्स किया 1/5 और 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, बस 1/11, 1/10, एक साल में इससे ज्यादा कोई भी नहीं लेगा। तो ये जो पॉलिसीज थी ये काफी मॉडरेट और लिबरल पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से इसने पेजेंट्स जो कि उस समय सबसे ज्यादा थे, ठीक है भैया, किसान उस समय जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो तो किसान होगी ना, हर कोई अमीर तो होगा नहीं, तो उनका भरोसा जीता। दूसरा, इसने नोबेल्स का भरोसा जीता। कैसे? मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था आपको याद होगा, मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने, चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूं, उसने क्या किया था कि जैसे ही उसने जीता, तख्ता को पलट, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को मारा, तो उसने क्या किया था कि जिन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, जिन नोबल्स ने इस पूरी साजिश में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, उसने उसके सर कटवा दिए। क्यों कटवा दिए? कि तुम भैया इसके तो सगे हुए नहीं, मेरे क्या सगे होंगे, इसलिए। लेकिन यहां पे गियासुद्दीन तुगलक ने ऐसा नहीं किया। गियासुद्दीन तुगलक ने उन सबको इनाम दिया जिन जिन लोगों ने इस पूरे तख्ता पलट खुसरो खान को मारने में इसका साथ दिया। हाँ, जो खुसरो खान के साथ था उनको जरूर मरवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, तो यहां पे इसने नोबल्स का भरोसा जीता। दूसरी चीज, ये टर्क था, ठीक है, टर्किश ओरिजिन का था, इसलिए भी नोबल्स जो थे ना वो बिल्कुल भी अलग, अगर कोई अलग क्लैन से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अफगान रूल करने आएगा, तो उसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करेंगे। रजिया सुल्तान के साथ यही प्रॉब्लम थी ना, कि वो क्या थी, वो एक औरत थी, इसीलिए तो सब हर नोबल ये चाहता था कि इसको हटा दो, क्योंकि भैया सुल्तान को आदमी होना चाहिए। तो यहां पे किसी भी तरीके से जो उन्होंने रूल बनाया है उसे समझौता नहीं करने वाले। तो नोबल्स का इस तरीके से ये भरोसा जीतने में एक एक करके कामयाब होगा, ठीक है ना। जो नोबल्स बहुत ही नेग्लिजेंट थे, बिल्कुल फिजिकल प्लेजर्स में एकदम अय्याशी में मशगूल थे, उसने, और एक तरीके से सुल्तान की प्रेस्टीज ही चली गई थी, सुल्तान का जो पद है ना वो सिर्फ नाम मात्र का हो गया था, तो उसने वो सारी चीजें रिस्टोर की, एक डिसिप्लिन लेके आया कि ऐसा नहीं होने वाला। कम्युनिकेशन को उसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, रोड्स इसने दोबारा रिपेयर करवाया और उसको इंप्रूव करवाया। ट्रेड तो रोड से ही होगा ना, और नदियों से होगा, पानी के रास्ते से, या फिर मतलब रोड से होगा ट्रेड, और तो कोई वो चारा है नहीं। उसके बाद इसने ब्रिजेस बनवाए, कैनाल्स बनवाए, ठीक है, कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोस्टल सिस्टम तक को इसने इंप्रूव करवा दिया था, और इसने ये बोला कि ऑफिसर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको बता दूं कि अगर कोई गलती हो जाती थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, मैं कंपैरेटिवली आपको बताता चल रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि जब उसने मार्केट प्राइस को फिक्स करवाया था, वैसे अलाउद्दीन खिलजी पे मेरा पूरा लेक्चर आप देख लीजिएगा, मार्केट प्राइस को फिक्स करवाया था, तो जो ऑफिसर था वहां का, शाहाना मंडी जिसको बोला जाता था, अगर कोई भी घपला करते हुए दिख गया, किसी ने अगर 500 ग्राम का गबन किया, तो 500 ग्राम मांस जो है उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। तो ऐसा कुछ गियासुद्दीन तुगलक नहीं किया। गियासुद्दीन तुगलक ने ये सारे जो रिफॉर्म थे वो लिबरल रखे, और छोटी मोटी गलतियों पे सजा भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये सुनिश्चित करता था कि छोड़ा किसी को ना जाए, पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, और ऑफिसर्स अगर कोई भी करप्ट हुआ तो उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसीलिए बोलता था कि ऑफिसर को बिल्कुल अच्छे से ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम को भी इसने बहुत अच्छे से इंप्रूव करवाया, ठीक है ना, कोई भी अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आता था तो उसका जो फैसला है
उसको जो न्याय है वो उसी वक्त दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी। हिंदुओं की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूं जैसी पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की थी उससे थोड़ी सी ठीक पॉलिसी बस हिंदुओं के खिलाफ थी। हालांकि जो लैंड छीने गए थे, जो भी स्टेटस हिंदू रूलर से छीना गया था, वो उसने वापस दे दिया गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरीके से गरीबी किस रेखा पे ले आए थे हिंदुओं को, गियासुद्दीन ने बोला कि आप वेल्थ तो रख सकते हैं, लेकिन बाकी अपने ऑफिसर्स को बोला कि बहुत ज्यादा इसको बढ़ने मत देना, एक लिमिट होनी चाहिए, हम इनको बहुत अमीर नहीं होने देंगे वरना ये हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं इनकी अर्ली लाइफ आपको नहीं बताई, आपको बता दूं कि अर्ली लाइफ बताने में ज्यादा हमारे पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है। इससे पहले ये बलबन के समय पे, इसके जो पिताजी थे वो बलबन जब रूल कर रहा था तो बलबन के कोर्ट में वो सेवा दिया करते थे, वहां स्लेव थे एक तरीके से, ठीक है, नामी था स्लेव डायनेस्टी, ठीक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो मंगोल इन्वेजन होता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, बार बार मंगोल जो वहां से अटैक कर देते थे। तो गियासुद्दीन तुगलक जो था, गाजी मलिक जो था, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता था, सेना को ले जाता था, उनको हरा देता था। तो यहां पे इसी चीज का रिवॉर्ड मिला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गियासुद्दीन तुगलक को, और गियासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का और मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है ना। पहले मुल्तान और फिर दीपालपुर, दोनों इस समय पाकिस्तान में है, तो वहां का गवर्नर बना दिया। तो उसको पोजीशन अच्छी खासी मिल गई थी। तख्ता पलट वही करेगा ना जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास ताकत नहीं है वो कहां से तख्ता पलट करेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसके पास ताकत थी। उसके बाद दोस्तों इसने एक्सपेंशन भी किया, हालांकि गियासुद्दीन तुगलक का ज्यादा 5 साल तक उसने रूल किया दोस्तों, उसके बाद इसको मार दिया गया। अब इस पर भी मत है, हालांकि अभी हम देखेंगे क्या मत है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपेंशन किस तरीके से किया, एक चीज मैं और बताना भूल गया, मुझे अभी याद आई जस्ट प्रेजेंट से, कि यहां पे अगर सूखा पड़ता था, फेमाइन पड़ता था, तो पेजेंट जो होते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अगर बहुत लो प्रोड्यूस होती थी तब भी वो टैक्स नहीं देते थे। यहां पे गियासुद्दीन तुगलक ने बोला कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हुई है, और अगर यहां पे सूखा पड़ गया है, अकाल आ गया है, तब आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से पॉलिसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने पेजेंट्स और नॉबल्स का भरोसा जीता। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे जो एक्सपेंशन है इसने किया, बंगाल में कोशिश की। उसके बाद हालांकि बंगाल में, बंगाल जो था वो इसके सुजरेनिटी में ही आया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये साउथ में भी गया। देखिए दोस्तों हुआ क्या था कि इसका जो बेटा था जिसका नाम था उलुग खान जौना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था उलुग खान और जौना खान, ये अक्सर वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। तो 1321 में इसने अपने बड़े बेटे को भेजा, कहां पे इसने भेजा, वारंगल, ये डब्लू होना चाहिए, हालांकि पहले आरंगल ही बोलते थे लेकिन अब वारंगल है ये, ठीक है, वारंगल और तेलंगाना, ठीक है। ककातिया, उस समय जो ककातिया किंगडम था वहां के जो रूलर थे प्रताप रुद्र, उन्होंने एनुअल पेमेंट देने से मना कर दिया। आपको पता ही है यादवाज और देवगिरी, ककातिया, इन सबको, जो 4 पावरफुल किंगडम मैंने बताए थे, पांड्या हो गए, तो इनको जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी हर साल इनसे एनुअल पेमेंट रहता था, ठीक है, डायरेक्ट रूल अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था लेकिन वो इनको पैसा देते थे। तो यहां पे वारंगल का जो राजा था उसने पैसा देने से मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, प्रताप रुद्र। तो 1321 में हम देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बड़े बेटे से बोला कि जाओ बेटा जीत के आओ। तो मोहम्मद बिन तुगलक गया, लेकिन यहां पे हिंदुओं ने, हिंदू जो चीफ थे उस समय साउथ के, उन्होंने कम्युनिकेशन काट दिया, कम्युनिकेशन काट दिया, तो दिल्ली से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई, तो ये र्यूमर फैल गई कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसी हौच-पौच के चक्कर में मोहम्मद बिन तुगलक जीत नहीं पाया और उसको खदेड़ने में हिंदू रूलर्स कामयाब हो गए और जो ककातिया किंगडम है वो बच गया। तो यहां पे जब वापस आया मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि बहुत लोगों ने बोला और इब्न बतूता ऐसा लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये र्यूमर फैलाई, ताकि, अच्छा, इब्न बतूता की राइटिंग पे अगर आप जाएं तो वो ऐसा लिखते हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल दुश्मन था गियासुद्दीन तुगलक और अपने पिताजी को बस गद्दी से हटाना पड़ता था। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे सहमत भी नहीं है, इसामी हो गए, उसके बाद बर्नी हो गए, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं था वैसे। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है, लेकिन 1321 में जो एक्सपेडिशन हुई थी इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी कोई र्यूमर नहीं फैलाई थी, ऐसा बोला गया था, ये र्यूमर मोहम्मद बिन तुगलक नहीं फैलाई थी ताकि इधर उधर हो जाए और उसके बाद सेना में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और गियासुद्दीन तुगलक को एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, ठीक है, और उसको हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाद में ऐसा ये कोई तुक नहीं बैठ रहा था, तो इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको
माना भी नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहला एक्सपेडिशन तो फेल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के पास आया, माफी मांगी, उसने भाई बेटा था माफ कर दिया। उसके बाद उसने और बड़ी कंटिंजेंट भेजी और बड़ी सेना भेजी मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और फाइनली प्रताप रुद्र को ककातिया किंगडम को वारंगल को एनेक्स करने में कामयाब हो गए और प्रताप रुद्र को सामने लेके आया गया। अब यहां पे प्रताप रुद्र को जब दिल्ली लेके आया गया बेड़ियों में, तो अब ऐसा बोला जाता है कि या तो उसने सुसाइड कर लिया या फिर उसको कारागार में डाल दिया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भी हो, इस साउथ के किंगडम को इसने इन्होंने एनेक्स कर लिया था। दूसरा दोस्तों, बंगाल को भी इसने एनेक्स करने की कोशिश की। दोस्तों बंगाल में दोस्तों क्या हुआ था, आपको बता दूं कि बंगाल में तीन भाई जो थे वो गद्दी के लिए लड़ रहे थे। कौन कौन? शिहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन और गियासुद्दीन। ये गियासुद्दीन तुगलक नहीं है। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रॉब्लम चल रही थी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे मतलब जो गियासुद्दीन ने क्या किया कि शिहाबुद्दीन को मार दिया। बंगाल का रूलर, ये बंगाल के तीन भाई हैं, ठीक है, गियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन। तो गियासुद्दीन ने क्या किया, शिहाबुद्दीन को मार दिया, ठीक है। अब जब शिहाबुद्दीन को मार दिया और ये गद्दी पे बैठ गया, तो नासिरुद्दीन ने फिर गियासुद्दीन तुगलक से गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए। तो गियासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन की मदद की और गियासुद्दीन को हरा दिया। गियासुद्दीन ने गियासुद्दीन को हरा दिया, क्या बात है। और उसके बाद फिर नासिरुद्दीन को थ्रोन पे बैठा दिया और फिर ये जो बंगाल का रिवोल्ट था इसको सप्रेस किया, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंशन थे। उसके बाद दोस्तों 1325 आता है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत टाइम से चाह रहा था कि वो सुल्तान हो जाए, ठीक है। पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था और दिमाग बहुत ज्यादा चलाता था, उसके बावजूद उसने ऐसे बेवकूफी भरे डिसीजन लिए कि क्या बताएं, हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश रची। ये साजिश क्या थी दोस्तों, अफगानपुर में इसने एक पवेलियन, वुडन पवेलियन बनाया है, ठीक है। अब इस पवेलियन, ये इतना ज्यादा छोटा था पवेलियन कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई भी यहां पे भारी चीज आएगी तो ये पूरा का पूरा पवेलियन गिर जाएगा। यहां पे आते हैं गियासुद्दीन, हाथी के साथ आते हैं, पवेलियन पे जैसे ही जाते हैं पूरा पवेलियन गिर जाता है और मलबा सारा का सारा गियासुद्दीन पे गिरता है। ये इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है, आपको ये भी बता दूं। और ये ज्यादातर हिस्टोरियंस ने इसको एक्सेप्ट भी किया, वैसे तो बहुत सारे मत है दोस्तों। तो यहां पे ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म गिर जाता है। फाइनली 1325, फरवरी 1325 में गियासुद्दीन का अंत होता है और उनका जो छोटा बेटा होता है मोहम्मद खान, उसको बचाने के चक्कर में जब मलबा हटाता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद खान के ऊपर गियासुद्दीन गिरे होते हैं। इसका मतलब अपने छोटे बेटे को बचाने के चक्कर में इनकी जान चली गई, हालांकि इनके छोटे बेटे भी मर गए। उसके बाद 1325 में यहां पे गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई। 5 साल तक ही इनका रेन था, लेकिन इससे यह तो साबित हो गया था कि आने वाले साल कैसे होंगे। इसके बाद सत्ता आती है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कमाल की बायोग्राफी हम देखेंगे अगले पार्ट में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक पढ़े लिखे इंसान ने बहुत ही बेवकूफी भरे डिसीजन लिए, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये टूम्ब है दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक की और ये दिल्ली में ही है, ठीक है, और इस समय तो टूरिस्ट स्पॉट है, तो आई होप अब बहुत लोग तो गए भी होंगे यहाँ पे। तो ये दिल्ली में है, टूम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।